पठानकोट वन परिक्षेत्र के अंतर्गत जखोलड़ी फाटक के पास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए वन संपदा को पहुंचाए जा रहे नुकसान पर वन विभाग ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। अपनी खेती को बचाने के लिए वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों के साथ कांटेदार तार तथा कीले लगाने के मामलों का वन विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। जिला वन अधिकारी धर्मवीर ने दो टूक कहा है कि विभाग ने सूचना मिलते ही अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को छानबीन करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि पेड़ सबकी सामूहिक संपदा है तथा कोई भी पेड़ों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, अन्यथा विभाग कड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग ने पहले भी पेड़ों की निशानदेही के लिए शुमारी कार्रवाई की है तथा लोग उसकी अनुपालना करें। जैसे कि अभी आपके माध्यम से मेरे ध्यान में आया, ऐसे एक पहले भी एक मैटर ध्यान में आया था, उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की थी और तार वार हटवाए थे, लेकिन आप डैमेज रिपोर्ट काटी थी। सो इस तरीके की ये भी मेरे सामने अभी आई है, तो मैंने स्टाफ को बोल दिया है, वो जाके जो भी बनती कार्रवाई, यदि कोई नुकसान पहुंचाए किसी ने पेड़ों को, तो उसके खिलाफ नुकसान की भरपाई की जाएगी, उसके पॉकेट से नुकसान की भरपाई की जाएगी, डीआर कटी जाएगी और तार हटवाए जाएंगे। और इसके अलावा जो बाकी भी लोग हैं, जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है जिन तक भी, मैं सबको कहना चाहूँगा कि इस तरीके से कोई भी, चाहे वो फार्मर्स हो या जो भी हो, पेड़ किसी का नहीं होता, ये सबकी प्रॉपर्टी होती है, सबको फायदा पहुंचाते हैं। इस तरीके से पेड़ों को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे जानबूझ के। यदि कोई इस तरीके की नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो महकमा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। सर वहाँ पे जो पेड़ों के नंबर नहीं लगे हैं, नहीं, वो शुमारी की हुई है, शुमारी अभी हमारी 2 साल पहले ही शुमारी हुई है। तो कई बार क्या होता है कि जो कुछ शरारती तत्व होते हैं जानबूझ के नंबर मिटा भी देते हैं, तो मैं देख रिपोर्ट करवाता हूँ स्टाफ से कि भी क्या इश्यू है। शुमारी सबकी हुई हुई है तो प्रॉपरली रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद भी मैं आपको आगे की जो है चीज बता पाऊंगा। वही पंजाब धार रेंज की बैबो की बोली फॉरेस्ट अधिकारी की अध्यक्षता में करवाई गई है। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो हमारा वर्किंग प्लान होता है, जो सापरकंडी का जो वर्किंग प्लान बना है, तो उस वर्किंग प्लान के हिसाब से उसमें वर्किंग प्लान में जो मेंशन है बैम्बो वर्किंग का, तो उसी के हिसाब से हम बैम्बू की वर्किंग कराते हैं, हर साल करवाते हैं। और उसी के हिसाब से जो ये मोस्टली अक्टूबर में स्टार्ट होती है और फरवरी मार्च तक चलती है, फायर सीजन से पहले पहले, तो उसी के क्रम में जो इस साल की बैम्बू वर्किंग है, वो अभी 3 लॉट कट के आए हैं धार रेंज के, और उन्हीं की बोली करवाई गई है। ओपन बीडिंग होती है न्यूज़पेपर में, उसका पहले एडवर्टाइजमेंट होगा, उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड ठेकेदार होते हैं वो आके बोली करते हैं। तो उसी के क्रम में जो आ गई है बोली हुई है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स है सबकी तरफ से। तो ये एक फॉरेस्ट वर्किंग है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो बैम्बू होते हैं वो एक एज के बाद वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब वर्किंग करते हैं तो उनके नए शूट निकलते हैं और नया बैम्बू जनरेट होता है, जो कि इकोलॉजी परस्पेक्टिव में भी अच्छा होता है और रिसोर्स भी वेस्टेज नहीं होते हैं। उसी क्रम में बोली हुई थी, काफ़ी अच्छी रही और इसी तरीके से सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट होता है।